अभी जो है हम गुच्छा वाले के लिए जीटी रोड पे चढ़ने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम बंजारास, दिस इज क्लिप स्पेशली फॉर यू। हम गुच्छा वाला सेटलर टाउन की मार्केट में घूम फिर रहे हैं। शिवाज साहब हमें सैर करवा रहे हैं मोटरसाइकिल पर बिठा के। आप सबको जो है ना गुज़श्ता ईद मुबारक। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक टू एवरीबॉडी। बिलेटेड ईद ग्रीटिंग्स कहना चाहिए क्योंकि ईद का आज 10वां दिन है और 10वें दिन तो ईद मुबारक कहना में थोड़ा सा वो चीज़ होती है, लेकिन खैर आपसे चूंकि मुखातब ही हम इसी वक्त हो रहे हैं तो फिर हमें ईद मुबारक ज़रूर कहनी चाहिए। ईद कैसी गुजरी आपकी ज़रूर बताएँ कमेंट सेक्शन में। मेरी ईद बहुत अच्छी गुजरी है, सो के गुजरी है। मौसम चूंकि बहुत अच्छा हो गया था, सर्दियां तकरीबन फिर से लौट आई थी, सर्दियां नहीं स्प्रिंग कहना चाहिए। अभी शहबाज साहब भी सुना है कि इधर ही कहीं गुजर रहे हैं, गुच्छा वाला में कहीं इधर उधर फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। उनको भी हमने कॉल किया, वो आते हैं तो थोड़ा सा बाहर का राउंड भी लगाते हैं। तो उससे पहले आपसे थोड़ी सी बातें कर लें, शुरू से शुरू करते हैं 27वें रमज़ान मुबारक से, जब हम विहाड़ी से गुजरांवाला के लिए रवाना हुए। जी कहाँ से शुरू करें व्लॉग आज का? आज का व्लॉग तो बेसिकली शुरू हो चुका है विहाड़ी से। तो ऑलमोस्ट तकरीबन जनाब हम 2 बजे चले थे और रफ्तारी का टाइम हमें यहाँ पे काला शिकागो के इंटरचेंज पे हुआ है। गाड़ी हमने साइड पे लगा ली है और रफ्तारी हम कर चुके हैं और थोड़ा सा हम जो है ना ज़ादेरा साथ लेके आए थे, कुछ पुलाव था हमारे पास वो भी हमने खाया, बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जो है हम गुच्छा वाले के लिए जीटी रोड पर चढ़ने लगे हैं। मेरा ख़्याल है तकरीबन ऑलमोस्ट 1 घंटे का सफ़र मज़ीद बाकी है, तो फिर गुच्छांवाला पहुंच के आपसे बात होती है। कल हमने हाजी साहब को इस्लामाबाद छोड़ने भी जाना है, तो लॉट ऑफ हेक्टिक एक्टिविटीज़ अहेड। 1 hour later just a connection vlog and connection vlog mean a vlog that can make a connection between you and me, so otherwise koi vlog itna zyada zaruri nahi tha, vlog kabhi hota bhi hai zaruri, basically vlog zarurat nahi, vlog ek sahulat hoti hai, to isi sahulat ko maddenazar rakhte hue janab aaj hum nikle hain islamabad ke liye। hum islamabad ja rahe hain, raste mein hain gujranwala se islamabad। 28वां roza hai और उम्मीद है कि आपके तकरीबन रोज़े अच्छे गुजरे होंगे। मुझे आइडिया नहीं है कि ये व्लॉग अपलोड कब होगा, एडिट होने के बाद, ये डेफिनेटली ईद के बाद ही होगा। हम इस वक्त जनाब खारिया के करीब से गुजर रहे हैं और लॉकडाउन का दौरा है और बहुत कम ट्रैफिक है, बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से ज़्यादा रश नहीं है और जो पर्सनल जो गाड़ियाँ हैं वही चल रही हैं। मौसम बड़ा खुशगवार है, बड़ा मज़ा आ रहा है और हम रास्ते में जा रहे हैं। तकरीबन दीना जेलम खारियाँ शारियाँ लाला मूसा ये सारा हम क्रॉस कर चुके हैं, अभी गुजर खान आने वाला है। तो नॉर्मली हम कहीं भी स्टे नहीं करेंगे, सीधा सीधा इस्लामाबाद जाएंगे। हाजी साहब बड़ी फास्ट और फ्यूरियस किस्म की गाड़ी चला रहे हैं और सबको पीछे छोड़े जा रहे हैं। हाजी साहब की स्टोरी हम फिर किसी दिन रखते हैं, बड़ी लंबी सी स्टोरी है। बात शुरू करते हैं ईद की। ईद से तकरीबन 2 दिन पहले बारिश हुई, मतलब जैसे ही हम आए हम एक किस्म की सर्दियां साथ लेके आए और टेम्परेचर बहुत नीचे गिर गया। अचानक ईद की खुशी भी हुई और थोड़ी सी हैरानगी भी हुई, लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ अपनी आदत पे, हम लोगों की जो आदत हैं। जब भी 29 रोज़े होते हैं पाकिस्तान में, हम में से एक तबका ये ज़रूर कहता है कि रोज़े जो है ना ये खा गए हैं, एक रोज़ा खा गए हैं और ये मौलवी ऐसा कर गए ऐसा कर गए। तो बीइंग अ मुस्लिम बीइंग अ पर्सन हमें इस चीज़ पे पूरा बिलीव करना चाहिए कि वो एक पूरी कमेटी होती है जिसको हिलाल कमेटी बोलते हैं,
जो चांद देखने के लिए शहादतें इकट्ठी करती है, फिर उनकी ऑथेंटिकेशन करती है और उसके बाद फिर हमसे शेयर करते हैं डिसीजन। और मुझे 100% ट्रस्ट है कि उनकी ना 29 रोज़े बनने में या 30 रोज़े बनने में उनकी ज़ाती कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है, ना ही गवर्नमेंट का। तो खामखा किसी चीज़ को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। वो चांद देखने की जो शहादतें बताने वाले हैं उनके पास अच्छी तरह से प्रूफ है इस चीज़ का, लेकिन जो बंदा ये कहता है जी खा गए, खाने ना खाने का उसके पास एक भी प्रूफ नहीं है। बट बात हम कर देते हैं बगैर तहकीक के। تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد। तो बहरहाल ये है कि ईद की नमाज अबर आलूद मौसम में, खुशगवार मौसम में अदा की और उसके बाद सारा दिन बेहतरीन तरीके से हम सोए और इंजॉय किया। ईद वाले दिन काफ़ी ऑब्लिगेशंस होती हैं और इस चक्कर में व्लॉग जो है ना वो लेट हो गया। हालांकि मैं कैमरा लेके आया था, पूरा इक्विपमेंट साथ आया था, ड्रोन साथ में लेके आया था, लेकिन ये कि ये हो ना सका। गॉन वर दोज डेज के जब हम 15 दिनों में 15 व्लॉग दिया करते थे और अब ये है कि 15 दिनों में एक व्लॉग मैनेज करना बहुत भारी पड़ रहा है हम पे। खैर ये भी छोड़ें। अस्सलामु अलैकुम जनाब, इस वक्त हम सेटलर टाउन गुजरांवाला में घूम फिर रहे हैं। शहबाज़ साहब ड्राइविंग सीट पे हैं मोटर बाइक पे और हम जनाब शर्फ हासिल कर रहे हैं इनके पीछे बैठने का। ये बंजारों को सेंड कर और ये हम बंजारों को भी सेंड करेंगे और ब्लॉग का भी पार्ट होपफुली बनाएंगे। शहबाज़ साहब हमें सैर करवा रहे हैं मोटरसाइकिल पर बिठा के। आप सबको जो है ना गुज़श्ता ईद मुबारक। ये जी शहबाज़ साहब ईद मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। ईद तो पुरानी हो गई है, मेरे ख्याल आज 10 दिन हो गए जी। ईद का 10वां दिन है आज। तो जी ये हमारे पास शहबाज़ साहब मौजूद हैं। तो ईद का टाइम हमने कुछ स्पेंड करना था इकट्ठे, लेकिन कुछ ज़्यादा दिन हो गए हैं ईद गुजरे हुए, लेकिन फिर भी आज हम मिले हैं, सैटरडे टाउन घूम के आए हैं और रशीद के ना मशहूर जो दही बल्ले हैं ना वो हम लेके आए हैं। तो प्रॉपर जगह नहीं मिल रही थी बैठने की तो फिर हम घर पे ही लेके आए हैं। तो अभी यहीं सर्विंग हो रही है। भाई गुजरांवाला में रशीद के दही बल्लों से बेहतर दही बल्ले नहीं है।